नमस्कार मणिभोज को स्वागत मिस्मी प्रथम देखने हेडलाइंस भितरे खाली बाहर ड्रामा मंडी समस्या और चाषी आत्महत्या को नहीं सरगरम राज्य राजनीति आज 11:30 उत्तर रखे जोगाण मंत्री प्राधिकार कमिटी को जीव विधायक आत्महत्या प्रसंग प्रताप जेना पापी थियोरी नवीन निवास जी आसे पवित्र हो जाए कही बिवाद रे मंत्री बयान को विरोध रे निंदा बैकफुट रे बिजेडी बदली गले कि नवीन हठात कहीं धर्म और संस्कृति कथा मने पकाइले ओडिशार मुख्यमंत्री पावर करिडोर साधारण जनता समस्त मन में प्रश्न ओडिशार बीजेपी बढ़ुवा दबदबा कारण हो पारे कि काठगड़ा छिड़ा हो चॉकलेट कंपनी ब्लैकबेरी कंपनी विज्ञापन को नहीं बढ़ला बिवाद जवाब दाखल पाई नोटिस देले खाउटी कमिशन नंदीग्राम रे धर्मेंद्र प्रधान को रैली रे हिंसा टीएमसी समर्थन को मर्डर रे बीजेपी कर्मी आहत केंद्रमंत्री कहिले पश्चिमबंग रे बढ़ुची परिवर्तन हवा दीदी गुंडागर्दी खेला नुहे विकास बीजेपी रे राम पद्म धरिले धारावाहिक रामनारायण राम अरुण गोभेल दिल्ली मुख्यालय रे ग्रहण कले सदस्यता पश्चिमबंग रे करि पारंती दल पाई प्रचार जितला भारत 2-2 रे सीरीज बराबर कला विराट बाहिनी भ्रमकारी दल इंग्लैंड को 8 रन रे कला परास्त निर्णायक मैच ऊपर समस्त नजर प्रथम थर पर मुख्यमंत्री को खोजा को विधानसभा नवीन निवास चली चली जाते विधायक आगे आगे चली बीजेपी विधायक आउ से नवीन को सह भेट कराई देबारे सहयोग करने चली आसी बीजेडी विधायक धान किणा अव्यवस्था को नहीं 6 दिन हेब गृह अचल होगापर आज नवीन निवास अभिमुखे विधायकों पदयात्रा बेले देखा मिलता हाई पॉलिटिकल ड्रामा विधानसभा अचलावस्था को नहीं राजधानी रे पॉलिटिकल ड्रामा मुख्यमंत्री को खोजा को बैनर प्लाकार्ड सह बीजेपी विधायकों पदयात्रा राज्य राजनीति में अभूतपूर्व दृश्य आगे आगे चलुंट बीजेपी विधायक और तांको पछकु पछ अच्छा बीजेडी विधायक 6 दिन धरी विधानसभा अचल होगापर मुख्यमंत्री को खोजा को विधानसभा पदयात्रा आरंभ करते बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री लोकसभा भवन अच्छा साक्षात करने को लोकसभा भवन भितर को पशी बीजेपी विधायक सेठारे मुख्यमंत्री नथिबारु पुणी बाहर नवीन निवास 1.5 घंटार पदयात्रा पर नवीन निवास रे पहुंची थे सबु बीजेपी विधायक तबे पछे पछे बीजेडी विधायक चलने को नहीं कटाक्ष करते विरोधी दल मुख्य सचेतक धान उठवा आमर दाबी चाषी भाई जो डिमांड अच्छी तार सब धान उठु 5 दिन विधानसभा बंद हला 6 दिन हो गला आज विधानसभा धान बोले विधानसभा बंद हो नवीन बाबू विधानसभा को चल कम कहीं चल से कहीं हस्तक्षेप करूना बाट देखी नौ सेक्रेटेट जमी जाऊ नसते सेक्रेटेट जाते मानवर मुख्यमंत्री नवीन निवास अच्छा तेना हाथ जोड़ी कहलु आज्ञा आप नवीन निवास चलतु आम आशा करूँ घटना हूँ बुद्धि उदय हो नवीन निवास जा मानवर मुख्यमंत्री संगे कथापर गोटे अवस्था सुधर और गृह चलो एणु से बोधे विधानसभा आम सहित आसवे चाषी समस्या कथा कहे धान मंडी धान उठवा कथा समय बोधे कहे से बोधे आठवा कथा किंतु चाकरी रही तो से उठे सरकार विरोध में जीव नवीन निवास पाखे पहुंचा पर आरंभ होता हाई ड्रामा मंत्री प्रताप जेना बदय बयान जो भरकु न जा बाहर धारण में बसी सबु विधायक स्थिति एपरी होता जे बीजेपी विधायकों मनवाई गेट सम्मुख को आसी मुख्यमंत्री यापर प्राय अधघंटा धरी मुख्यमंत्री बीजेपी विधायकों बैठक होता तेज विधानसभा सर्वदल बैठक समाधान रास्ता बाहर करने को मुख्यमंत्री कही आम मुख्यमंत्री को डाकवाक आसलु मुख्यमंत्री हाँ प्रकाश कले वाचस्पति सांगे आलोचना कर सर्वदल बैठक डाक आलोचना करी
एवं गृह को आसी बोली प्रशासन आश्वासना देचंती। परंपरा हिसाब रे विधानसभा चालू थिबा समय रे माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा जीवा उचित से कहले जे गृह अचल होईची। विरोधी दल नेता कहले गृह अचल होईची, कहले गृह केमती चला हो बाचस्पति ऑल पार्टी मीटिंग डाकिबे। चासी प्रसंग से आलोचना कले कहले मंत्री अच्छा मंत्री सहित आलोचना कर बाचस्पति जहाँ फाइनाल कर चलेबे गृह चल। आमर दाबी निर्दिष्ट भाव जहाँ अच्छी जड़े सानिटाइजर भी आत्महत्या करने चेष्टा कर क्षमा मागे। सेपटे मंडी समस्या स्थायी समाधान सह गृह अचलावस्था को नहीं विधानसभा भितर गांधी मूर्ति तले धारणा देता कांग्रेस। कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र दलर अन्य विधायक मैंने हाथ में बैनर धरी शांतिपूर्ण प्रतिवाद करते धान किणा जाऊना। जो मैंने प्रकृत चाषी नकली चाषी कथा आम कहूनु, जो मैंने प्रकृत चाषी निज जमि चाष कर आज धान बिक्री कर वंचित राज्य सरकार तार कौन पदक्षेप नौना। विधानसभा गणतांत्रिक परंपरा अनुसार आम विरोध करंपरा अनुसार आज महात्मा गांधी आश्रय नहीं। विधानसभा शासक दल हंगामा और नाराबाजी को नहीं प्रथम दिन प्रश्न उठाऊ विरोधी बीजेपी और कांग्रेस, किंतु यही घटन विस्फोरक बयान दे शासक दल आभिमुख्य प्रश्न उठाई बीजेडी विधायक सौम्य रंजन पट्टनायक। विधानसभा कहीं चली पारूनी तहार उत्तर खोजी नपाउथिबा विधायक विधानसभा रहिबा को अयोग्य बोली कहिथिले सौम्य। तबे गुरुवार प्रथम थर गृह मुलतवी होगा मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आलोचना को नहीं बीजेडी भितर थिला भिन्न मत। विधायक संबित राउतराय कहिथिले प्राय 50 रु अधिक विधायक लोकसभा भवन जाई मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस रे कथा होइछंती। तबे शासक दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक कहिथिले व्यक्तिगत काम में विधायक माने जाइथिले। हमें समस्त निजे को निजे पचारिबा दरकार जे एथिपाई आमको कौन करिबाक पड़िबो। जदि आमे निजे निजे प्रश्न को निजको पचारि पारिबा नै ताला आमे बोधे आउ तार उत्तर खोजिके बाहर करिबा नै। आमे केही विधानसभा रहिया पई योग्य न सेक्रेटरी आमर अन्य काम थिला आमे जाइथिलु आमर अन्य काम डिपार्टमेंट काम थिला नै। आमे दाबी तो जणैलु माननीय मुख्यमंत्री आश्वासना देइछन्ती से भीतर कागु कार्यनुष्ठान ग्रहण करा जीवो कोन कोन बा आलोचना माध्यम रे मुख्यमंत्री से बाबद निश्चित भाव पदक्षेप ने पाखा 50-60 जन मुख्यमंत्री नाम भीष्म। अपराह गृह को 45 मिनट मुलतवी कर सर्वदलीय बैठक डाकि बाचस्पति। तेज पूर्व मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते बोध हुए 6 दिन धरी गृह अचल हो ना। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सनातन दीपक और रविनारायण रोशन नाथ और दिव्यज्योति महांति रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सेपटे दिन सारा पॉलिटिकल ड्रामा पर सर्वदलीय बैठक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति विधानसभा अचल प्रसंग को नहीं निगला निष्पत्ति। आज दिन 11:30 उत्तर रखे जोगाण मंत्री मुख्यमंत्री निर्देश में आभिमुख्य रखे मंत्री। सर्वदलीय बैठक में सूचना देले बाचस्पति विधायक आत्महत्या प्रसंग स्वाधिकार कमिटी को जीव गृह उपस्थापित होबनी सरकारी दल आणुवा अभियोग सुभाष विरोध में अभियोग आनीला बीजेडी। श्रीजगन्नाथ जमि बिक्री प्रसंगे तेजिला बिवाद विधानसभा मंत्री उत्तर एवं श्रीमंदिर प्रशासन मध्य नहीं तालमेल एवं प्रश्न उठू किए कहे सत आईन मंत्री ना श्रीमंदिर प्रशासक यह कोटि कोटि ओडिया भावबेग को धोखा दुन्वित एभली कलापहाड़ मानसिकता कहीं प्रशासन स्पष्टीकरण राज्यवासी मनरे द्वंद्व सृष्टि कर। विधानसभा उत्तर बनाम मंदिर प्रशासन किए कहे सत आईन मंत्री ना श्रीमंदिर प्रशासक कोटि कोटि ओडिया भावावेग को धोका सगमाछ दर में प्रभु जगन्नाथों जमी बिक्री षड़ एभली कला पहाड़ मानसिकता कहीं प्रभु जगन्नाथों जमि बिक्री नहीं ये हूँ श्रीमंदिर प्रशासन उत्तर। व्हाट्सएप ग्रुप रे आसी मेसेज कहु श्रीजगन्नाथों जमी बिक्री खबर मिछ यार कौन आधार नहीं विश्वास नक कह एबे नजर पकातु विधानसभा रे आईन मंत्री प्रताप जेना उत्तर उपरे एठी स्पष्ट भावे उल्लेख रही जगन्नाथों जमी बिक्री हेबो मोट 35,000 एकर जमी बिक्री पई प्रक्रिया आरंभ हो सारी एमती वर्तमान सुधा जगन्नाथों 315 एकर जमी को 11,20,000 टंकारे बिक्री कर सारी सरकार। खोर्धारे 582 एकर जमी को भी काजु निगम को लीज देइछंती सरकार। विधानसभा उत्तर मिछ ना प्रशासन स्पष्टीकरण किए कहे सत कहीं राज्यवासी को रखा जाऊ अंधार से जगन्नाथों जमी बिक्री को नहीं
सरकार को घेरी विरोधी। आज जदि राज्य सरकार बिक्री करदेवार योजना करुंट दुर्भाग्य एवं विडम्बनार विषय। समस्त आस्था और विश्वास उपरे आघात कहले अत्युक्ति हेबना। सरकार जगन्नाथ जमी जगन्नाथंकर संपत्ति बिक्री करिवार चक्रांतरे रहंतु नाही। प्राय 35,000 एकर जमी को राज्य सरकार बिकिबार योजना करचंती एवं ता भितरु कटक रे भारती मठ कोठा रो 315.337 एकर जमी ऑलरेडी राज्य सरकार बिकी सारिलेनी। महाप्रभु जगन्नाथ होचंती ओडिया जातिर प्राण केन्द्र एवं महाप्रभु जगन्नाथंकर नीति रीति संपत्ति सहित कौनसी विभ्राट हबो एटा ओडिया जाति हिंदू समाज केबे भी ग्रहण करिवो नै यार आम घोर निंदा करुचु। 55,000 एकर जमी ओडिशार 409 एकर जमी जोटा ओडिशा बाहर अच्छे ताकू बिक्री करके से माने तांकर स्वार्थ साधन करिवे। जगन्नाथ प्रभु को भी मैंने छाड़ पार ना लुटपाट कर लोकों पैसा तो जहाँ खाइबा कथा कहन खणी खदान जल जमी जंगल तो सब बिक्री कर सारे तो यूर प्रवृत्ति ही खराब। ओडिशा लोक जानवा पड़ो एम को घरे घरे गाँ गाँ पशाई नदे ही ठीक हे तेम तो आमको जगन्नाथ नार करदे बिक्री कर दी पार राज्य सरकार भारत सरकार योजना काम हो पार नहीं तेमे केमी आम जमी रू नहीं बर बिक्री कर एरोड्रम तैयारी घोर विरोध कलु यही ना ड्रप है। प्रभु जगन्नाथ जमी बिक्री पाई कहीं षड्र कहा स्वार्थ बिक्री हो जमी कहीं कलापहाड़ मानसिकता अणओिया अफिसर बुझी पार ना कि ओडिया भावावेग कहीं कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी भावावेग को आघात। जगन्नाथ प्रेमी भी एने प्रतिक्रिया प्रकाश कर जगन्नाथ महाप्रभुकर 35,000 कौन 60,000 एकर जमी बर्तमान बाहर पड़ी तेणुक बर्तमान विधानसभा गोटे कथ आस गोटे कथ मुख्य प्रशासक कहे तेणुक जनसाधारण कौटा को चिंता करेंगे बर्तमान समस्ते गोटे खुशी से थे जे आम जो कि जगह जमीन में थिलु जगन्नाथ महाप्रभु ना था आम से जगह किसी प्रणाम देकर आम से निश्चित भाव से जगार मालिकाना सत्व नबू बोली तेणुक जहाँ भी हो ये गोटे पुणी बिवाद प्रति आईले तेणुक आम आशा करूँ जो प्रकृत सत्य कौन सत्यता कौन राज्य सरकार शीघ्र अनुमोदन करते जनातु जे ना बर्तमान जमी बिक्री हम कि ना तेणुक बिवाद मतबा ठीक होना। सरकार निवेदन रपण ये जमी को 35,000 जमी को न बिकी तार सुरक्षा करतु आमीर उन्नतिकरण करतु दयाक ये जमी सब बिकतु ना कि जमी माफिया को दे दिंतु ना यार सुरक्षा सरकार दायित्व और मोर आशा और भरोसा अच्छी सरकार एथिप्रति निश्चित ध्यान देवे। प्रशासन स्पष्टीकरण राज्यवासी मनरे द्वंद्व सृष्टि करूना कि आईन मंत्री प्रताप जेना स्पष्ट करेंगे कि विधानसभा उत्तर अच्छी ना मंदिर प्रशासन उत्तर। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बदली गली कि नवीन हठात कहीं धर्म और संस्कृति कथा मन पकाले ओडिशार मुख्यमंत्री पावर करिडोर ठू आरंभ कर साधारण जनता मनरे प्रश्न तेब एडिशार बीजेपी बढ़ुवा दबदबा को कारण करशेषज्ञ एक जातीय गणमाध्यम संपर्कित खबर को नहीं चर्चा। राज्य में शक्तिशाली होजेपी शख को कड़ा टक्कर देम शासन पर श्रीजगन्नाथ शरण से कि बीजेडी बीजेडी नुआ स्ट्राटेजी को नहीं जातीय गणमाध्यम चर्चा। मंदिर मठ और संस्कृति राग गाइवा पक्षर भितिरी रहस्य कौन इच्छा ना भय यह बीजेपी योजना हाइजाक्र प्लानिंग की राज्य में बीजेपी दबदबा देखी बदली गले कि नवीन घारी कि क्षमता जीवार भय संस्कृति और मंदिर शरण से मुख्यमंत्री गादी बचाईवा को बीजेपी रास्तार कि बीजेडी 2019 पर बदलिला बदलिला भली लगुंट नवीन कारण बिना चैलेंज रे जितुवा दल आगरे आज मोदी लहरी से मुख्यमंत्री मुहरे धर्म और संस्कृति कथा विशेषज्ञ मतरे 2000 मसीह धर्मठू दूर रोकवा नवीन एवं बदल स्ट्राटेजी
ଶାସନ ପାଇଁ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ବି ଅଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 93.6% ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ କିଭଳି ବିଜେପିକୁ ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ନବୀନ ଏବେ ଏତେ ତତ୍ପର। ସେମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଭୋଟ ଆତେଇବାକୁ ବିଜେଡ଼ିର ଏ ନୂଆ ପ୍ଲାନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ବଫର ଜୋନ୍ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖାସ୍ ସ୍ଥାନ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ସବୁବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ନିକଟରେ ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ମିଟ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଭାଗ ନେଇଥିଲେ 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ 2014 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 10 ସିଟ୍ ହାତେଇଥିଲା ବିଜେପି। 2019 ଏହା 23 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 18%-32.49% ଜମ୍ପ ମାରିଥିଲା। ଆଉ ବିଜେପିର ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ହିଁ ନବୀନଙ୍କ ବଦଳିଥିବା ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା 5 ପରିବାରର 10 ବଖରା ଘର, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ବେଲମାଳା ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳା ଆସିଥିଲେ। ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏହାର 2ଟି ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରୀହରି ବେହେରା, ପ୍ରହଲାଦ ବେହେରା, ନିର୍ମଳ ବେହେରା, ଦିନେଶ ବେହେରାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକସଭାରେ ଉଠିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଧାନମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେବା ଫଳରେ ହତାଶ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 100,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଏହି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। चार दिन हो गया, विधानसभा उड़ीसा भी बंद है और उड़ीसा में जो टोकन सिस्टम शुरू किए हैं, आप किसान को टोकन देते हो और टोकन लेफ्ट हो जाता है, सरकार के कारण बेचना संभव नहीं होता है। ये टोकन के बारे में मैंने संसदों में भी पूछा, हर एक अलग अलग प्रदेश के जो सांसद यहाँ आए हुए हैं कि भाई आपका प्रदेश में टोकन है क्या, उनका प्रदेश में नहीं है। फिर मैंने इंक्वायरी किया, मोहम्मद तुगलक जिस समय सुल्तान थे उस समय भी टोकन फोकन सिस्टम नहीं था जब अभी शुरू हुआ है। मैं इसीलिए ये सब बोल रहा हूँ। अगर ये धान मंडी से अभी और एक मिनट बोलता हूँ मैं, 1 एकड़ में हम लोग 40 क्विंटल धान पैदा करते हैं। ତେବେ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ଫେରିଛି କରୋନା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ସେହି ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ସାଂଘାତିକ ହେବାର ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ପୁଣି କଟକର ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 13 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ 71 ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ତେବାସୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜକୁ 10 ଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ରଖିଛି ସିଏମ୍ସି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ତା'ର ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କେଉଁଠା କେଉଁଠି ଲାଗି ରହିଛି, ପୁଣି ଥରେ
सांघातिक होबार लागिछि कोरोना संक्रमण पुणि कटक घरे शिक्षानुष्ठान 13 जन पॉजिटिव होइछन्ति 71 जन कोविड परीक्षा देथिले एवं सेथिरु बुधवार दिन 12 जन चिन्हट होबा परे आउथरे जदि सूचना मध्य रहिछि कि 13 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति सेमानक मधिरु 13 जन नुवा संक्रमित चिन्हट होइछन्ति समस्त गोटिए हॉस्टल रे अंतेवासी बोली सूचना रहिछि। गुरुवार ठारु संप्रुक्त कॉलेज को 10 दिन लागि बंद रखिछि सेमसे। मोटारर नरेन्द्र मोदी स्टाडियम रे खेला जाउथिबा चतुर्थ T20 रे टीम इंडिया रो विजय। भ्रमणकारी दल इंग्लैंड को मात दे 2-2 रे सीरीज बराबर करिछि विराट बाहिनी। सीरीज रो शेष मैच बाकी थिबा बले टीम इंडिया 2टी मैच जितिछि। मैच रे विराट बाहिनी पाई करबा मोर परिस्थिति थिबा बले एहाकु जिति नैछि भारत। तबे शेष तथा अंतिम निर्णायक मैच उपरे समस्तक नजर रहिछि। चतुर्थ T20 रे 186 रन रो विजय लक्ष्य नै पडियाकु ओल्हाइथिबा भ्रमणकारी दल 8 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ 177 ରନ୍ କରିଛି। ସମସ୍ତ ରୁଚି ବ୍ରେଟିଂ ରଖିବା ଦେଖ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।